अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसने भारत में कई जगह आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलाया, उसके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। कल देर रात मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन इलाके में छापेमारी की गई, जहां से दो ऐसे लोग पकड़े गए जो दाऊद के लिए फाइनेंस जमा करने का काम करते थे। उन दोनों को अब कस्टडी के लिए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच अधिकारियों के मुताबिक एनआईए की टीम ने देश के कई राज्यों में छापेमारी की है, साथ ही कई जगह केस भी दर्ज किए गए। एनआईए ने डी कंपनी मामले में दाऊद इब्राहिम, कास्कर और उसके सहयोगियों से ताल्लुक रखने वाले दो संदिग्ध लोगों को दबोचा। उनकी पहचान आरिफ अबूबकर शेख और शकील शेख उर्फ छोटा शकील के रूप में हुई है। इन दोनों को आज एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, इसके बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि डी कंपनी दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, जिसके जरिए भारत में आपराधिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आपको आगे बताते चले कि एनआईए के दस्ते लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में 20 जगहों पर छापे मारे गए। मुंबई के माहिम इलाके में कयूम नाम के एक शख्स को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दबोचा। वहीं माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के प्रबंध न्यासी सुहेल खंडवानी को भी पकड़ा। इसके अलावा समीर अंगोरा को बांद्रा में डिलाइट अपार्टमेंट से पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।